इस बार यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र कुछ अलग होगा क्योंकि योगी सरकार ने विधानसभा के नियमों में तब्दीली की है और इन्हीं नियमों के साथ सरकार सत्र को चलाएगी। दरअसल सदन के अंदर नेताओं के मोबाइल में बिजी रहने के वीडियो सामने आते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने सदन में मोबाइल लाने पर बैन लगा दिया है। यानी कि अब से विधायक सदन के अंदर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। मोबाइल के अलावा सत्र के दौरान सदन में झंडा और बैनर ले जाने पर भी पाबंदी रहेगी। बताया जा रहा है कि नारी शक्ति को प्राथमिकता देने के लिए सरकार महिला सदस्यों के भाषण पर ज्यादा फोकस करेगी और यही सत्र की सबसे खास बात रहेगी। 66 साल बाद योगी सरकार में विधानसभा सत्र नए नियमों के साथ शुरू किया जाएगा। पिछले सत्र में ही बदलावों को अनुमति मिली थी, जिसे अब इस सत्र से इन्हें लागू कर दिया जाएगा। मंगलवार से शुरू होने जा रहे यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में मौजूदा और पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा। 29 नवंबर को अध्यादेशों, अधिसूचनाओं और सदन के पटल पर रखा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों को प्रस्तुत किया जाएगा। सत्र के तीसरे दिन 30 नवंबर को अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा होगी। इस दौरान विधायकों की मांगों पर विचार और वोटिंग की जा सकती है। इसके साथ ही विनियोग विधेयक का सदन की अनुमति से दोबारा स्थापन का काम किया जाएगा। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहा है, दूसरी तरफ सरकार भी विपक्ष का सामना करने के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि सदन के अंदर कौन किस पर भारी पड़ता है। बता दें कि 28 नवंबर से शुरू होने वाले यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 1 दिसंबर तक चलने की संभावना है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।